अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जिन लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद से नहीं नवाजा और बे औलाद है, उनके लिए बहुत उमदा नुस्खा है, मर्द और औरत दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बेहद अच्छी रेमेडी है जो कि बहुत लोगों ने इस्तेमाल की, उनको बहुत फ़ायदा हुआ। इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी साहिब औलाद बनाएगा। ये मेरी रेमेडी है, आप इस्तेमाल कीजिएगा और फ़ायदा हासिल कीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या चीज़ें लेनी है और इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं और जिन लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद से नहीं नवाजा और वो माँ बहनें और जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं कि भी हमारे को अल्लाह ताला औलाद से नवाज दे, और मेरे जो भाई हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि अल्लाह ताला हमारे को जो है औलाद से नवाजे, हमारे घर में आंगन में खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाएँ। तो आज उनके लिए बहुत ही अंदर अच्छा नुस्खा है जो कि आप इस्तेमाल करवाएंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। उसमें जो चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, इनको बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को जरूर लाइक कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही मालूमात वीडियो आपको मिलती रहे और घर बैठे ही आप ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल करते रहें। और वीडियो में जो मैं चीजें आपको दिखा रही हूं ये आपके घर में मौजूद हैं, आपके किचन में मौजूद हैं, इन चीजों का आपने इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कलवंजी, कलवंजी भी आपके किचन में मौजूद है जो कि अल्लाह ताला ने इसमें बहुत ज्यादा शफा रखी है। आपने पानी ले लेना है और उसके बाद जो है आपने जैतून के तेल का इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि किस तरह आपने करना है। और इसके बाद जो है मेथी दाने का आपने इस्तेमाल करना है, मेथी दाना भी आपके किचन में मौजूद है। और शहद जो है बहुत आपके घर के अंदर इस्तेमाल में आता होगा और ये आपके लिए शहद जो है खालिस होना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं रेमेडी की तरफ कि आपने किस तरह इन चीज़ों को बनाकर आपने इस्तेमाल करना है। कलवंजी और मेथी दाना आपने हम वजह लेकर पाउडर बनाना है, एक चम्मच आपने इसका ले लेना है। पाउडर बनाकर इकट्ठा रख लीजिएगा, किसी खुश्क बर्नी में रखिएगा और जब ये आप रख लें तो एक चम्मच आपने गिलास पानी में इसको भिगो देना है। जैसे आप ये गिलास देख रहे हैं, ये मेरे पास इस वक्त गिलास पानी का मौजूद है, इसमें आपने इस तरह भिगो देना है। आपने सुबह उठना है, लेमन आपके पास मौजूद है तो लेमन आपने एक अदद इसमें डालकर इसको उबालना है। उबालना किस में है, मट्टी की हांडी में आपने इसको उबालना है। आपका जब एक गिलास आधा रह जाए, उबल जाए अच्छे तरीके से हल्की आंच पर, आपने पकाना है। आपका एक गिलास जो पानी में भिगोया था आपने ये दोनों चीजें, तो जब उबल के आधी रह जाए यानी कि पानी आधा रह जाए तो आपने उसके बाद जो है इसके जो है शहद आप देख रहे हैं, शहद आपने एक चम्मच डाल देना है और एक चम्मच आपने जैतून का तेल इसमें ऐड करके आपने इसको पी लेना है। ये चीजें आपने देख रहे हैं, ये चीजें इसलिए दिखाने का मकसद है कि आपको याद हो जाए कि आपने इन चीजों का इस्तेमाल भी करना है और इन चीजों को आपके घर के अंदर आपके किचन में मौजूद है जो कि आपका किचन एक बहुत बड़ा दवाखाना है, जिसमें जो है आपके लिए ये फायदेमंद नुस्खा रहेगा। इन चीजों का इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अगर आप एक दो महीने इस नुस्खे को इस्तेमाल कर लेते हैं तो आप जरूर साहिब औलाद हो जाएंगे। और मेरे लिए दुआ करें, मेरे मरीजों के लिए दुआ करें और इस नुस्खे को आगे भी लोगों को बताएं, शेयर करें ताकि वो भी लोग जो है अपने साहिब औलाद हो जाएं, उनके घर में भी खुशियां आ जाएं और आपके लिए दुआ गो बन जाएं। तो इसके साथ ही बाजी पर इनको इजाजत दीजिएगा, चलते चलते आपने एक काम जरूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको जो है ऐसे ही मालूम वीडियो मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला जिंदगी रही। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।